तो भाइयों वेलकम बैक हो गए तुम लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक और नया हॉरर गेम जिसका नाम है इविल नन। तो इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं एस्केप। और जिन्हें तुम लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, वैसे तो हमारे को जिन्हें भूत पकड़ के अपने यहाँ पे लेके जाते हैं अपने बेस पर जो है ना, इस गेम के अंदर हम खुद भूत के पास जा रहे हैं कि हाँ भाई हमारे को पकड़ मार हमारे को। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। तो ये नन है, ये हमारे को लेकर आई है स्कूल और ये बिल्कुल ही भाई भगाते हुए आ गई। एंड ये भाई ये हमारे को ले आए स्कूल। चलो हम लोग स्कूल आ चुके हैं फाइनली, अब हमारे को उतरना चाहिए भाई। ये दरवाज़ा खुल गया, ये गैरेज तो बंद पड़ा हुआ है। ओह माय गॉड, ओ भाई ये ना हथौड़ा लेके खड़ी हुई है देखो, और ये भाग गए वाली ना, और ये हम पीछे मुड़ेंगे। देख रहे हो थोड़ का हथौड़ा मारा है, फिर भी हम इतने मजबूत हैं, थोड़ से भी ज़्यादा मजबूत हैं हम लोग। थोर का हथौड़ा मार दिया इसने हमारे को, उसके बावजूद हम जिंदा हैं। तो चलो भाई ये हम लिख रहे हैं आई एम इनक्यूबस एंड आई एम गोइंग टू बी गुड। पनिशमेंट दी हुई है इसने हमें, आई हैव टू लीव दिस स्कूल। छोड़ के दिखाएंगे, हाँ भाई छोड़ के दिखाएंगे स्कूल को। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ब्रूम मिल चुका है। यहाँ पे ब्रूम का मुझे काम पता क्या करना है, यहाँ से चलते हैं पहले, इसको यहाँ पे फेंक देते हैं ब्रूम को। चल भाई ब्रूम, अब जो है ना हमारे को ऊपर चलना चाहिए, ऊपर 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 ऊपर। तो ऊपर चलते हैं क्योंकि अभी वो नज़र नहीं आ रही। वैसे इसका मुझे यहाँ पे करना क्या है, वैसे यहाँ पे तो मेरे को जो है ना मैं ड्रॉट वगैरह चेक करने आया था, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। ये केबल मिली है, एक मिनट केबल का काम शायद वहाँ पे जो दरवाजे के बराबर में एक इलेक्ट्रिसिटी पैनल देखा था मैंने आते हुए, हाँ ये इधर लगना है शायद। ओह माय गॉड, आवाज़ हो गई, नीचे कूदना पड़ेगा। आवाज़ हो चुकी है और नन का मुझे लग रहा है कि अब वो आने वाली होगी। तो अब मेरे को जो ना जो ब्रूम स्टिक मिली थी ना, अब बस मेरे को एक काम करना है कि जिधर इसको ब्रूम स्टिक डाला था बस इधर का ये शटर खोल देना है और ब्रूम उठानी और यहाँ चलना है अंदर। तो भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ से इसको खोलना है हमारे को। अब यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है हमारे को, क्या मिलता है, कुकीज़ का बॉक्स। और अब नन आ गई है यार, कुकीज़ का बॉक्स तो मिल चुका है मेरे को और शिट नन आ गई। यार ये कुकीज़ के बॉक्स के साथ करना क्या है, इसको पहले तो तोड़ना पड़ेगा किसी तरीके से। तोड़ूँ कैसे सोचो, कैसे तोड़ूँ। अबे नन ने फिर से देख लिया, तो पंगे कर रही है, इसको तोड़ने का क्या है। एक मिनट, इसको किसी गैलरी से फेंक देता हूँ उठा के। फिर गैलरी पड़ी गैलरी है यहाँ पे, गैलरी इधर से वो ग्राउंड दिखता है, इधर से फेंक देता हूँ उसको उठा के। पहले छुप जाता हूँ, नन आ रही होगी तो थोड़ी देर तक छुपे रहते हैं यार, 3-4 सेकंड्स तक, पता नहीं कभी भी आ सकती है वो, क्योंकि उसने मेरे को देखा है आते हुए, पचड़ते हुए देखा है ना मेरे को। तो मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। यार जल्दी, मतलब मेरे से वेट भी नहीं हो रहा है, मेरे को लग रहा है शायद एस्केप होने वाला है। मैंने शटर खोल लिया था, वहाँ पे आगे एक ताला लगा हुआ था और शायद ताले की चाबी इसके अंदर हो सकती है, होपफुली इसके अंदर ही हुआ, मज़ा ही आ जाएगा, गेम ख़त्म हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर बस। यार ये कुछ नन वन आ तो नहीं रही, पता नहीं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ यार मैं, पता नहीं नन आई तो नहीं। बस मेरे को डर ये लग रहा है कि मैं फेंकूँ और 3 सेकंड ही नन आ जाए तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो मैंने फेंक दिया एंड ये स्मैश हो गया, खुल गया भाई, खुल गया फाइनली। अब मैं भी नीचे कूद जाता हूँ, चलता हूँ चाबी उठाता हूँ अपनी। शिट भाई क्या कर रही है ये, अचानक से मारा है इसने मेरे को आके और मेरा डे 2 स्टार्ट हो चुका है। खैर पता नहीं कौन सी चाबी मिली थी, मैं तो नाम भी नहीं पढ़ पाया, मैंने चाबी उठाई इतनी देर में उसने पीछे से मार दिया मेरे को। यार पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं यार, चाबी भी देख कर आता हूँ मैं कौन सी मिली थी मेरे को, समझ ही नहीं आया कुछ उसने क्या करा है मेरे साथ। 2 सेकंड भी नहीं देखने दिया मेरे को, चाबी का नाम भी नहीं पढ़ने दिया, देखता हूँ कौन सी चाबी है। अबे मेन डोर की, अबे मेन डोर की मिल गई फाइनली भाई, मेन डोर की मिल चुकी है। मेन डोर की तो मुझे पता ही कितना लगनी है, वो जो पैडलॉक वाला रूम था जिधर वो पैडलॉक की मांग रहा था, मतलब यही ना मेन डोर, हाँ लगाया था। खुल गया भाई, खुल गया फाइनली, क्या एस्केप हो गया, बस इतना सा था गेम, मेरे ख्याल से एस्केप हो चुका है भाई साहब, फाइनली एस्केप हो गया भाई, पैसे मिल गए।
चलो भाई अब चलते हैं वापस मेन्यू पे। आधी स्केप कर लिया यार, पर बहुत ज़्यादा इजी स्केप था आई थिंक सो। मतलब से दो आइटम चाहिए थे, वो दोनों मिल गए और फटाफट से स्केप हो गया। तो खैर जी ना, आज की हमारी वीडियो हो चुकी है यहीं पर ही ख़त्म। तो तुम लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जी ना मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके जाना यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोज़ देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।